तो गाइस देखो आपको यहाँ पे नाइकी जॉय राइड मिल रहा है, मतलब फूल वाला 700-800 रुपए का चक्कर, और सारे 500 जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपको 350 रुपए का मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी लग रहे हैं सारे के सारे आपको 350 मिल जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 700-800 रुपए का आपको, मतलब शूज चेक करो भाई साहब काफी प्यारा शू है ये, सारे आपको मिल जाएंगे। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर बॉय मित्र, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके सो गाइस जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जो आज की हमारी वीडियो प्रॉपर शूज के ऊपर है, क्योंकि जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मैं मार्केट ब्लॉग्स बना दूं अलग अलग जिसमें मैं उस मार्केट की सारी चीजें दिखा दूं, उसमें कपड़े हो गए, शूज हो गए, जींस हो गई, सब चीजें दिखा दूं। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्रॉपर एक शूज के ऊपर वीडियो बनाओ कि किस किस क्वालिटी में कैसे कैसे शूज मिल जाएंगे, तो भाई ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रॉपर सिर्फ जो शूज का कलेक्शन होता है कि आपको किस किस प्राइस में किस किस क्वालिटी में शूज मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं चोर बाजार जाने वालों, भाई जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते होंगे, दिल्ली में रहने वाले बंदे तो भाई जानते होंगे चोर बाजार को, तो आज की वीडियो में मैं चोर बाजार जाने वालों, क्योंकि चोर बाजार की दो चीजें सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो वहां के आईफोन और वहां के शूज। तो आईफोन वगैरह तो अभी मिलने बंद हो गए, बट वहां पे भी शूज का मार्केट काफी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा भाई तुम्हारे लिए उसको एक्सप्लोर करा जाए, उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई वहाँ पे आपको किस किस क्वालिटी में किस किस प्राइस में शूज मिल जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि आप बार्गेन वगैरह करें किस प्राइस में आप वहाँ से शूज बाय कर सकते हो। और बाकी मेरे को चोर बाजार गए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं भी जाके देखूंगा कि भाई वहाँ पे कैसे कलेक्शन है कैसे नहीं, और ट्राई करूँ कि जितना अच्छा तुम्हें दिखा सकूं मैं अच्छा तुम्हें दिखाऊंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना हेडफोन लाना, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो भाई वॉइस वगैरह का इशू रहेगा, तो प्लीज हेडफोन पहन लेना पहले। और बाकी आज सैटरडे है, जो चोर बाजार है वो संडे को सुबह 6 बजे से लगना स्टार्ट होता है, तो जल्दी कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद चलेंगे देखें वहाँ पे कैसे कलेक्शन है कैसे नहीं। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो 1K लाइक्स का है, क्योंकि इस वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दूसरे पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पे 1K लाइक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं जो दूसरा पार्ट है वो ड्रॉप करूंगा। तो अभी के लिए कुछ नहीं, जल्दी से कल सुबह 1 तक का वेट करते हैं और मिलते हैं सीधा चोर बाजार में, लेट्स गो। ओके सो गाइस फाइनली अब मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के 6:30 बजे अभी 6:30 बजे मैं जल्दी सुबह रेडी वेडी होके मैं चोर बाजार जा रहा हूँ। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं प्रॉपर चोर बाजार में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर नहीं करूँगा, जो सिर्फ शूज का कलेक्शन है ना वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं कि अभी चोर बाजार लग रहा है अभी या फिर नहीं लग रहा, आप अभी टाइम देख लो। तो अभी मतलब 7:10 हो रहा है, आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर चलते देखते हैं मैं मार्केट लग रहा है फिर नहीं लग रहा, और अगर मार्केट अभी लग रहा होगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं जो सिर्फ शूज़ का कलेक्शन होता है जिसमें आपको जूते दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के, आपको किस किस प्राइस में किस किस क्वालिटी के शूज़ मिल जाएंगे ट्राई करूंगा कि पूरा एक्सप्लोर करने, क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता। बाकी तुम्हारा भाई बचपन से डेट है, जो चीज़ सोच ली वो करके रहेगा। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ, एक तो मैं घर पर बहाना मार के आया हूँ कि मतलब मैं बाहर पार्क जा रहा हूँ खेलने दोस्तों के साथ, बट मैं तुम्हारे यहाँ पर जो बजा के वीडियो बनाने निकलूँगा, तो अभी चलते देखते कैसे कलेक्शन है कैसे नहीं, सो लेट्स गो। ओके सुबह फ्रेंड मैं चोर बाजार तो आ चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, अभी बाकी चलते हैं कैसे कलेक्शन है कैसे नहीं, और यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर अलाउ नहीं है, बाकी तुम्हारा भाई भी डीजे ट्राई करेगा कि जो उसके पास ट्राई करना आपको दिखाने की, तो सुबह चलते देखते कितने का आंटी जूते मिल जाएगा, क्या प्राइस है 650 आंटी, इन जूतों का 650 रुपये बता रही है, बट इन जूते 350 रुपये से गलती से भी उससे महंगा मत ले लेना, और इन आंटी पे चेक करते हैं इनको 600 रुपये के जूते बता रही है, 600 रुपये दे दे, कितने का साइज मिल जाओ मेरा 7 नंबर, क्या प्राइस है इसका नंबर का साइज कर दो 850 ज़्यादा बताओ, क्या प्राइस है आंटी इनकी, ये क्या ये साइज का है, ये कितने का है 850 ज़्यादा बता रहे हो 350 नहीं हो पाएगा, चीज देख ली आंटी तभी मैंने बोला ये कॉपी है दोनों दिन पहले, तो 700 दे रहा है मेरे भाई, हेलो क्या मिला तेरे मतलब, ये प्राइस है
एक किताब बना दो भाई, 700 रुपए लेगा भाई किताब किसी का भी। हाँ कौन सा भी देख लो भाई, गोली करनी है इसलिए। कटे कटे से दूसरा ले लो मेरे भाई, ये देखो मेरा भाई चीज रहेगी भाई, जो मैंने जूते पहन रखे वो कॉपी है ओरिजिनल है मेरा भाई, बस कॉपी ओरिजिनल कहीं नहीं मिलेंगे भाई, नए और नए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्या प्राइस है आंटी इसका? आंटी क्या प्राइस है इसका? 1300 रुपये। मतलब भाई देखो जो ये 1300 बता रहे हैं, बच्चे 400 रुपये से नीचे ऊपर मत जाना बिल्कुल भी, कोई से भी जूते ये सारे मन ओ भाई साहब, यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉपी के एयर जॉर्डन मिल रहे पूरी टैंक के साथ, कितने का ये भाई? 800 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे। कितने का है ये? कितने का भाई? 1500 कम नहीं होंगे? 1500 रुपये बता रहे हैं भाई, क्वालिटी अच्छी मतलब देखो 1500 में आपको प्रॉपर देता ना, फर्स्ट कॉपी के नाइकी एयर जॉर्डन बड़ा प्यारा कंफर्टेबल वगैरह प्रॉपर है। बाकी एक ये भी सेम प्राइस है भाई, ये भी 1500 बैठने वाला दे सकते हो 1500 रुपये भाई, कुछ कम वगैरह हो जाता भाई? सब 1500 रुपये का दे रहे हैं यहाँ पे, और प्रॉपर कलर देख सकते हो। देखो आपको एयरफोर्स वन की आपको यहाँ पे कॉपी मिल जाएंगे, इसमें आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, इसका प्राइस चेक करते हैं। क्या प्राइस है आंटी इसका? क्या प्राइस है भाई? तो यहाँ पे वीडियो शूट करना इतना मुश्किल है, यहाँ पे पुलिस वाले आके दो कैसे भाग रहे हैं, कितनी बुरी तरह फट रही है, पुलिस वाले को देखते ही भग गए सारे के सारे। क्या प्राइस है आंटी इसका? क्या प्राइस है इसका आंटी? क्या प्राइस है इसका? 800 कम नहीं होंगे? क्या प्राइस है? क्या प्राइस? 1100 तभी तो मैंने इसलिए आ तुम्हारा पहले देख रहा हूँ तो आया यू जस्ट। इनके भी सर, इनके भी सारे रीजन से भी प्राइस है भाई, इसमें 7 नंबर मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसका? 900 रुपये। तो मुझे यहाँ पे जूता ही बंदा 900 रुपये के बता रहा है, बट इनकी जो वैल्यू है 400 रुपये ज्यादा नहीं है। अगर आप कहीं नॉर्मल मार्केट में चेक करोगे तो ये जूते आपको 350-400 रुपये में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। मैं 4000 के अंदर घुसना स्टार्ट हुआ तो मैंने भाई ये बंदा देखा, ये बंदे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया जूते थे, प्रॉपर जो ओरिजिनल शूज होते हैं वो बेच रहा था, और इनकी जो क्वालिटी है वो एकदम A1 क्वालिटी जैसे कि आपको दिख रही है। भाई साहब अभी इसका प्राइस चेक करते कितने रुपये की दे रहा, कितने की नहीं। भाई किसका प्राइस है? 2500।
तो भाई प्राइस सुनते मेरी तो हालत खराब हो गई। 2500 रुपए के जूते दे रहा है, मतलब इसमें तो कुछ खास था नहीं। बट यानी क्वालिटी वगैरह अच्छी, अगर आप इनसे बार्गेन वगैरह करोगे तो आपको 1200-1300 रुपए में काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी के शूज मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ी बार्गेन टेक्निक होनी चाहिए और अपनी पसंद। भाई 1100 मिल रहे ओरिजिनल भी इतने तो पैसा आपको यहाँ पे ऐसे बूट्स वगैरह मिल जाएंगे, ये सारे 1000-1000 रुपए के जूते दे सकते हो। ओके सो वैसे मिल रहे हैं 350। क्या प्राइस है भाई इसका? 500। तो यहाँ पे जो बंदा है जो जूते सारे 500-500 रुपए देख रहा था भाई, पर ये तो जूते थे एक नंबर जूते, तो आप देख सकते हो। वैसे पूरे बाजार में आपको महंगे महंगे जूते मिलेंगे, पर इस बंदे ने प्रॉपर अपना फिक्स प्राइस कर रहा था 500-500 रुपए, काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी के शूज दे रहा था ये। दीदी 1100 जूते लाया वैसे दीदी, भाई ने भी जूते लिए। कितने के लिए भाई ये? 1100 ये वाला कलर पे करियो, दूसरा पे चेक कर सकते हो, साइज ये चेक करियो, साइज ये करते करते कितने के बोल रहा था, कितने के बोल रहा था इसके? 1200 बोला था, 1200 ज्यादा कम नहीं कराएगा? 1100 रुपए कम किया ना, 700 के नाम पे भाई 700 रुपए भाई ने बहुत ही बढ़िया ले लिया ये, कहते ना। बाकी मैं चेक करता हूँ ये देख सकते हो भाई, 250। कितने का है भैया? कितने का है भाई ये? 1200 जल्दी जल्दी चंके टंके 1200 राइड का मिल जाएगा भाई, चीज अच्छी है यार। कितना बता रहा है? 1200 भाई बहुत आ रहे हैं, दे दे यार गरीब। 1200 रुपए के दे दे, वो पीछे भी लग रहे हैं, वो भी सेम राइड है। ओके सो गाइस यहाँ पे देखो आपको जूते मिल जाएंगे 250-250 रुपए के, प्रॉपर जितने भी लग रहे हैं ना सर आपको मिलेंगे, व्हाइट वाले पे जितने भी साइज वगैरह इसको उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 250-250 रुपए देंगे, चेक कर सकते हो। कितने कितने के अंकल ये? 400 के दो। स्टार्टिंग कितने से है? स्टार्टिंग पे कोई गिनती नहीं है, 1000 से लेकर 800, 700, 600, 200। यहाँ पे जो अंकल जी जूते बता रहे हैं 500, 800, 1000 रुपए के, पर बिल्कुल भी भाई ले मत लेना इतने महंगे जूते, क्योंकि इनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। सारे यूज किए हुए जूते हैं ये, आपको आराम से मंदिर के बाहर फ्री में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। ये वाले 1800 के, इतने भी लाइन में वाले 2000 के। बाकी मैं आपको भी जूते दिखाता हूँ, चेक कर सकते हो। सिर्फ 1800 मतलब कम करके आपको 700-800 रुपये का बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। बाकी पीछे देख सकते हो अलग ही टॉप टॉप कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, 700-800 रुपये का, और उसके पीछे भी चेक कर सकते हो 700-800 रुपये के मिल जाएंगे। ओके सो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे शूज मिल जाएंगे देख सकते हो। भाई चल लो यार,
यहाँ पे जो बंदे खरीद हुए 1250-1260 मतलब मुंह फाड़ के प्राइस बोल रहे हैं। कुछ जूते की क्वालिटी वगैरह कुछ है नहीं। इन जूते गलती से 500 रुपए से एक्स्ट्रा 1 रुपए मत दे देना। क्या प्राइस है? क्या प्राइस है? ओके सो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे कलेक्शन था कैसे नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा कलेक्शन लगा कैसे नहीं, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैंने आपको ज्यादा कुछ अभी दिखाया नहीं है। जो मेन जो जूतों कलेक्शन है आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको इस वीडियो पे 1K लाइक्स क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट है वो ड्रॉप करूंगा। बट आप मुझे कमेंट में भी बता देना कि आपको इस पार्ट में जो कलेक्शन है कैसे लगा। मुझे पता है इसमें जो जूतों का प्राइस है काफी ज्यादा बता रहे थे उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, बट जो मेन चीज मैटर करती है वो है आपकी बार्गेनिंग। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया आप बार्गेन करना मत भूलना भाई। जो जूते हैं वो आपको 1500 रुपए के बोल रहे हैं तो वो 700-800 रुपए के लेना, और जो जूते वो 1000 रुपए के बोल रहे हैं तो भाई उनको 350-400 रुपए से 1 रुपए एक्स्ट्रा मत देना, क्योंकि उनकी जो वर्थ है वो इतनी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और बाकी भाई जो लोग दिल्ली में रहते हैं मैं उनको सजेस्ट करूँ कि भाई एक बार चोर बाजार विजिट करो अगर आपको जूते वगैरह बाय करने हैं, क्योंकि काफी सस्ते प्राइस में आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के शूज मिल जाएंगे। क्योंकि वहां पे जो शूज मिलते हैं जैसे आप जॉर्डन वगैरह आपने देखा होगा उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब कहते ना जो आपको शॉप्स वगैरह पे 2500-3000 रुपए के देता फर्स्ट कॉपी के नाम पे, वही जूते आपको वहां पे मिल रहे थे 1000-1500 रुपए के, और वो बार्गेन करने के बाद और भी कम हो जाएंगे। सो मेरी वीडियो यही तक थी, मैं होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि ऐसी और डोप वीडियोस आने वाली है, और जो उसके बगल में बेल आइकन है वो जरूर दबा देना जिसमें ऐसी और भी और कोई डोप वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे डोप।